टोक्सन के मुकाम पे ये एविडेंस हो रहा है। आपको पता है आलमी वबा कोरोना वायरस के मुताबिक जो ये दिन ब दिन कहराम बढ़ता जा रहा है, इसी सिलसिले में आज जो वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी है, आज हम हेल्थ सब सेंटर टोक्सन पे हैं, जहां एक प्राइवेट बिल्डिंग में हमारा हेल्थ सब सेंटर है। यहां पे तो यहां लोग आए हैं सुबह से जो वैक्सीनेशन के लिए आए हैं, पुलिस थी, आर्मी आई है यहां पे डंडियाला से, और बहुत ही लोग आर्मी पुलिस हेल्थ डिपार्टमेंट और लोग मिलकर जितने भी हैं इसमें तावन कर रहे हैं। और लोगों को हम मैं एक सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते लोगों को अवेयर कर रहा हूं कि आप बखूबी जान रहे हैं कि इस बीमारी का जो दबाव है, प्रेशर है, बढ़ता ही जा रहा है, कमी नहीं आई। इसलिए हमारी गुजारिश है तमाम लोगों से, जहां जहां तक भी हमारे ये आवाज जाएगी, हमारी गुजारिश रहेगी लोगों से कि आप इस चीज को छुपाए ना, आगे आए, वैक्सीनेशन करें, दवाई ले, डॉक्टर से सलाह ले, क्योंकि जो कि ये आलमी वबा कोरोना वायरस है तो इसमें आज स्ट्रिक्ट होना है, और चंद चीजों पे जो हेल्थ डिपार्टमेंट की गाइडलाइंस है वो उस पे पालन करना है। सोशल डिस्टेंस, हाथ बार बार धोना, मास्क का यूज करना। साथ में मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करूंगा, जहां की ये हमारे सब डिविजन मोहर के इलाके पहाड़ी इलाकों के अंदर जो ये प्राइवेट बिल्डिंगों में सब सेंटर है, गवर्नमेंट सबसे पहले अवलीन तरजीह मरकजी सरकार इन पहाड़ी इलाकों में ये बिल्डिंगे दे, जहां पर प्राइवेट ये प्राइवेट लोगों के मकानों में ये सब सेंटर है, यहां पर बिल्डिंग प्रायोरिटी पे मिले। और बिलखसूस हेल्थ डिपार्टमेंट से मेरी गुजारिश है कि अगर गांव में भी आजकल ये कोविड फैलना शुरू हो गया, इसलिए पंचायत घरों और हेल्थ सब सेंटरों को भी कोविड क्वारंटीन बनाया जाए, ताकि जो लोग हॉस्पिटलों में न पहुंच सके, और हॉस्पिटलों में रश कम होने का वजह क्या है, फिर वैसे कम होगा, क्योंकि कोविड सेंटर यहां पर बनाए जाए, और यहां पर हर हेल्थ सब सेंटर पर ये जो डॉक्टर है वहां पे एक एक डॉक्टर को रखा जाए कंटिन्यू, जो 24 आवर पब्लिक और लोगों के दरमियान रहेगा। उसके बाद मैं आर्मी का शुक्रगुजार हूं, बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं पुलिस का और हेल्थ डिपार्टमेंट का, और हमारे साथ बशीर साहब हैं हेल्थ डिपार्टमेंट से, ये बताएंगे कि मजीद जानकारी क्या है, और हमारी यही गुजारिश है लोगों से कि वो साथ दें। शुक्रिया। मैं हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से मेरा नाम है बशीर अहमद, मैं हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पर रिपोर्ट किया गया हूँ। यहाँ पर हम एक डेढ़ हफ्ते से कंटिन्यू कोरोना की यानी कोविड-19 की वैक्सीनेशन कर रहे हैं। यहाँ पर ये जो शिबिर साहब है, ये सोशल एक्टिविस्ट है, यहाँ का बड़ा हमदर्द है लोगों का, ये हमारे साथ कदम कदम पे ताउन करता है और लोगों को अवेयर करता है कि इस वैक्सीन को लगाइएगा, इस वैक्सीन से घाटा नहीं है, इस वैक्सीन से बीमारी खत्म हो जाएगी। इसके बाद ये जो आर्मी वाले आए हुए थे डंडियाला से, मैं ये भी बहुत हमें मदद कर रहे हैं और लोगों को मोटिवेट कर रहे थे वैक्सीन करो, क्योंकि कुछ जगह में कुछ ऐसे शोशे भी पड़े हैं कि वैक्सीन से ये होता वो होता, लेकिन आर्मी वाले भी हमारा मदद कर रहे हैं, और ये यहाँ के सिविल जो सिटीजन है, जैसे ये शिबिर साहब है, ये बाकी लोग हैं, ये सब हमें बहुत मदद कर रहे हैं और लोगों को मोटिवेट करके हम इम्यूनाइज कर रहे हैं। इसके बाद मैं सब लोगों को गुजारिश करता हूँ कि इस वैक्सीन को बिल्कुल जाया होने ना दे, 45 साल से आगे जितनी उम्र तक हो, 60 साल का हो, 80 का, 90 का हो, सबको वैक्सीन जरूर लगानी है। अगर एक भी बंदा वैक्सीन के बगैर रह गया तो उस बाकी को वैक्सीन करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि उस बंदे की वजह से बीमारी दोबारा जन्म ले सकती है। इसके बाद जो हमारे ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर मोहर से हैं, वो बड़ी लगन और मेहनत से टीमें रिपोर्ट कर रहे हैं हर जगह में, हर गली में, हर कोचे में, और हर महल में, और हर बस्ती में। तो और वो ये दवाई हमारे पास बहुत है, दवाई की कोई कमी नहीं है, स्टाफ की कोई कमी नहीं है, हमारे तरफ से कोई कमी नहीं है। और इसी के साथ में सबसे ज्यादा मैं यहाँ के लोकल सिटीजन्स का मशकूर हूँ कि ये लोग अच्छी तरह से समझाकर लोगों को मोटिवेट कर हमसे वैक्सीन करा रहे। उसके बाद मैं बिलखसूस शिबिर साहब का बहुत मशकूर हूँ और इसे धन्यवाद दे रहा हूँ कि ये एक बड़ा अच्छा समझदार लड़का है और सब लोगों को समझाकर हमारे पास लाता है और सबको वैक्सीन करता है। बहुत कम लोग जो है, 20 से 25 लोग जो है बगैर इम्यूनाइजेशन के रहे हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि शिबिर साहब और आर्मी वाले और ये पुलिस सब हमें मदद करेंगे, उनको भी मोटिवेट करके उन्हें भी वैक्सीन कराएंगे। शुक्रिया जी।